सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट की क्लीन चिट के बाद तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को एक बार फिर से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। इस क्लीन चिट के बाद इंडियन प्रीमियर लीग की टीम दिल्ली डेयर डेविल्स ने भी शमी का अपनी टीम में स्वागत किया है। दिल्ली डेयर डेविल्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेमंत दुआ ने ट्वीट के जरिए शमी की टीम में वापसी की पुष्टि की है। दुआ ने लिखा है, इस बात का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट ने शमी को क्लीन चिट दे दी है और अब वो आईपीएल में दिल्ली डेयर डेविल्स की तरफ से खेलेंगे। बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट ने शमी की पत्नी हसीन जहां द्वारा लगाए गए मैच फिक्सिंग के आरोपों की जांच में शमी को निर्दोष पाया है। इसके बाद सीओए ने बीसीसीआई से शमी को ग्रेड बी के तहत केंद्रीय अनुबंध में शामिल करने को कहा। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।